बूढ़े होने पर औलाद द्वारा अपने ही माँ बाप को वृद्धाश्रम भेज देने के कई मामले आपने सुने होंगे, लेकिन आज हम आपको एक ऐसे बेटे से रूबरू करा रहे हैं जो कलयुग का श्रवण कुमार है। अपनी स्क्रीन पर नजर आने वाला ये वीडियो देखिए। इस शख्स की पीठ पर उसकी बीमार बूढ़ी माँ है, जिसे डॉक्टर को दिखाकर वो घर ले जा रहा है। साधन के अभाव में इस शख्स ने बेटा होने का फर्ज निभाते हुए अपनी माँ को पीठ पर उठाया और पैदल ही 10 किलोमीटर की दूरी तय करते हुए घर पहुंचा। ये वीडियो उत्तर प्रदेश के कानपुर झांसी हाईवे का है। बीमार बूढ़ी माँ को पीठ पर लिए जा रहे कलयुग के श्रवण कुमार का किसी राहगीर ने वीडियो बना लिया और सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। ये मार्मिक वायरल वीडियो जहां समाज को सकारात्मक संदेश दे रहा है, वहीं सरकार के सेहत महकमे की पोल भी खोल रहा है। दरअसल कानपुर देहात जनपद के बरौली गांव में रहने वाला राम अवतार की वृद्ध माँ बीमार है। राम अवतार अपनी माँ को डॉक्टर के पास गांव से कस्बा भोगनीपुर ले गया था। इलाज कराकर वापस आने के दौरान उसे कोई साधन नहीं मिला, लिहाजा राम अवतार ने वृद्ध माँ को पीठ पर उठाया और पैदल ही 10 किलोमीटर दूर अपने गांव के लिए चल पड़ा। रास्ते में झांसी कानपुर हाईवे पर किसी राहगीर ने ये दिल को छू लेने वाला मार्मिक दृश्य अपने मोबाइल के कैमरे में कैद कर लिया। वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो देखकर कोई राम अवतार को कलयुग का श्रवण कुमार कह रहा है तो कोई यूपी के बीमार सिस्टम को कोस रहा है। बहरहाल ये वायरल वीडियो यूपी सरकार के सामने एक बड़ा सवाल खड़ा कर रहा है। क्या नाम है दादा आपका? राम अवतार। कहाँ रहते हैं? ग्राम बरौली। ये कौन किसको गोद लिए हैं? माता जी। कहाँ से कहाँ जा रहे हैं? भोगनीपुर से बरौली। इतना पैदल जा रहे हैं माता जी को? क्या करें, कुछ पैसे नहीं है क्या साधन? पैसे होते तो कहाँ ले गए थे इनको? डॉक्टर गया। कहाँ पर? इरफान डॉक्टर साहब दिखाने के लिए ले गए। तो पैदल लिए, पैदल जाएंगे बरौली तक? ओके।